हाय फ्रेंड्स मेरा नाम मयूर खांडे का आपका हमारी डिजाइन थिंकिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मैंने पिछले नौ साल में पंद्रह हजार से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और मुझे वहां से पता चला कि वो लोग डिजाइन तो बना लेते हैं बट जहां पे थिंकिंग का काम आता है वहां पे वो फेल हो जाते हैं तो मैं ये यूट्यूब चैनल के थ्रू उनका डिजाइनिंग एंड थिंकिंग दोनों का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आज हम देखेंगे प्रोटोटाइप तो प्रोटोटाइप का मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या डिजाइन में अपना टाइम या मनी इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक ड्राफ्ट क्रिएट करें और उसे एज अ सैंपल मार्केट में प्रोवाइड करें और देखें कि उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और वो सारी प्रॉब्लम्स को आपको एक लिस्ट बना के उसे इंप्रूवमेंट करना है और इंप्रूवमेंट करने के बाद वन मोर टाइम फिर से फ्री सैंपल आप मार्केट में प्रोवाइड करें और सोचे कि आपके प्रोडक्ट को लेके मार्केट में कस्टमर्स क्या एज अ फील करते हैं या क्या सोचते हैं कि आपके प्रोडक्ट को लेके वो लोग क्या सोचते हैं ये सारा का सारा कंटेंट एज अ प्रोटोटाइप एंड टेस्ट के अंदर आता है तो प्रोटोटाइप और टेस्टिंग का मतलब या नहीं चल रहा है जैसे बहुत सारे लोग मार्केटिंग करने के लिए कैंपेनिंग करते हैं या बहुत सारे ऐसे थॉट्स रहते हैं या ऐसे पंचलाइंस रहती है जैसे अभी आप लोगों को पंचलाइंस के बारे में बताऊं तो आपको सबको पता ही रहेगा एक फेमस है झुकेगा नहीं पुष्पा मैं झुकेगा नहीं ये जो पुष्पा मूवी का था वो सब पंच पंचलाइन मतलब उसे काली एक पंच लाइन लिया और सब लोग अपनी मार्केटिंग में कैसे यूज करते वो सब देखना है जैसे कैंपेनिंग लू ना तो एकदम लाइव एग्जांपल और अच्छा है कैडबरी के बारे में आपको पता हो या ना पता हो 2003 में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि जिसके अंदर कैडबरी के अंदर से उन्हें एक इंसेक्ट्स मिले थे कैडबरी के अंदर से उन्हें इंसेक्ट्स मिले थे मीनस की कोई कीड़े जैसा कैडबरी के अंदर से छोटे छोटे कीड़े मिले थे जिससे उनका मार्केटिंग या उनका प्रोडक्ट का एकदम डाउनफॉल हो गया था मतलब 50 उनका पूरे का पूरा मार्केट डाउन हो गया था कैडबरी का एज अ दिवाली दिवाली ऐसा उनका एक त्यौहार है ना कि जिसमें उन लोग का मार्केट फिफ्टी अप रहता है तो उसका सीधा रिवर्स हो गया 50 परसेंट डाउन हो गया वो भी क्या हुआ था कि एक रिटेलर की शॉप में से उनको एक कैडबरी के अंदर से इंसेक्ट मिला और उसने एज अ वीडियो बना के एज अ प्रोवाइड कर दिया था और जो न्यूज चैनल्स में आ गया था और उनका पूरा ऑन द स्पॉट वहां पे दिवाली से पहले पूरा डाउनफॉल हो गया था और वो टाइम पे वो लोग पूरे का पूरा एज अ टेंस हो गए थे कि अभी हम क्या करेंगे तो उन्होंने एज अ डिजाइनिंग थिंकर्स को पकड़ा और उन्होंने देखा कि अभी हम लोग करें तो क्या करें क्योंकि ऑलरेडी हमारा नाम तो यहाँ पे खराब हो गया है उसके साथ साथ पूरा डाउनफॉल हो गया 50 परसेंट मार्केट पूरा डाउनफॉल हो गया था तो वो टाइम पे उन्होंने एज अ डिजाइन थिंकर को पकड़ा और देखा कि अभी हमें क्या क्या चेंजेस करना चाहिए तो उन्होंने वहां पर एक एज अ कैंपेनिंग वर्ड यूज किया विश्वास विश्वास करके उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट किया और वो कैंपेनिंग के अंदर उन्होंने उसके साथ साथ क्या किया कि जो कैडबरी थे कैडबरी के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी चेंज की जो फर्स्ट एक लेयर्स तो रहता था ऑलरेडी उसके अंदर उन्होंने फॉइल डाला जो विदाउट सील्ड वाला था मतलब उसे सील्ड नहीं करते थे दोनों साइड से हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते थे वैसा डबल पैकेजिंग रखा डबल पैकेजिंग के साथ साथ उन्होंने जो मार्केट्स के अंदर रिटेलर्स थे रिटेलर्स के लिए वहां पे फ्रिज प्रोवाइड किया आप कोई भी कैडबरी या कुछ लेने जाओगे तो वहां पे देखना कि कैडबरी का खुद का एक छोटा सा फ्रिज रहता है तो उन्होंने फ्रिज भी प्रोवाइड किया और वहां पे उन्होंने क्यू आर कोड जैसे भी रखा कि उनका कोई भी बंदा मंथली या एज अ वीकेंड में जाके वहां पे स्कैन करे क्यू आर कोड कि वो लोग हमारा यूज कर रहे कि हमारा बेच के दूसरा लाके यूज कर रहे हैं तो वो सब उन्होंने एकदम सिक्योरिटी टाइप की कि हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों की वो रिटेलर्स की गलती की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था इसके लिए

जो अपने आप में खास हो जो सिर्फ तोहफा नहीं एहसास हो जिसमें रिश्तों की मिठास हो क्या क्या चल रहा है? है? आ आ गए, गए, ये से भाई, रिश्तों की मिठास है कैडबरी सेलिब्रेशन का रिच ड्राई फ्रूट कलेक्शन पहली बार चुनिंदा ड्राई फ्रूट्स और कैडबरी चॉकलेट का अनोखा संगम ऐसी रिश्तों की मिठास है ये है अच्छा

कैडबरी वाले ने यूज किया और उसका ऑन द स्पॉट या नेक्स्ट दिवाली में उसका मार्केट जो फिफ्टी परसेंट डाउन हो गया था वो फिफ्टी परसेंट अप हो गया और अभी तो आपको पता कि कैडबरी क्या है तो ये एज अब कैडबरी के एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि डिजाइन थिंकिंग का भी यूज हम लोग एज एज कर सकते हैं आप लोग सोचोगे की इसका और हमारे डिजाइन थिंकिंग का मतलब क्या है तो डिजाइन थिंकिंग का मतलब है कि आप कोई भी डिजाइन बनाते हो ना तो उसमें ऐसी पंचलाइन यूज करो कि सामने वाले को क्लिक होना चाहिए आधी कॉमेडीज भी होती है यादी प्रॉपर्स होती है लाइव एग्जांपल ले लो ना कैंपेनिंग का अमूल से बेस्ट कैंपेनिंग मैंने अभी तक देखी नहीं रहेगी बट अमूल वाले जो कैंपेनिंग यूज करते हैं उनका आप कोई भी प्रोडक्ट ले लोगे ना तो वो कोई भी डेज के हिसाब से रहता है या कोई भी इवेंट आ रहा है ओलंपिक्स आ रहे हैं या कोई भी इवेंट्स वो लोग कैरेक्टर्स का उनका कैरेक्टर फिक्स रहता है बट वो लोग उसके साथ-साथ पंच भी यूज करते तो ये सारा का सारा कंटेंट हमारी डिजाइन में भी रहना चाहिए तो मैं समझता हूं कि आपको मेरा प्रोडक्ट्स जो मैंने कैडबरी के बारे में एग्जांपल्स लिया और जो मैंने प्रोटोटाइप और टेस्ट समझाया आपको समझा रहेगा ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए थैंक यू